हेलो बिश्रिया माइन पबजी लवर्स, कैसे हो आप सब। मैं स्तबिंदास फर्स्ट क्लास चेक कास्ट। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज आप सब जानते हो कि अभी हम लोगों की यहाँ पे M22 की रॉयल पास चल रही है। तो आप लोगों में से बहुत से बंदों ने कमेंट करके पूछा था कि जो नेक्स्ट हम लोगों की S1 की रॉयल पास आएगी वो कब देखने को मिलेगी, कब आप लोगों की ये वाली रॉयल पास एंड होगी, उसी के साथ रैंक पुश आप लोग कब तक कर सकते हो, न्यू सीज़न यहाँ पर कब स्टार्ट होगी, आप लोगों को नेम टैग्स ये सब कुछ जो इस सीज़न की रहेगी वो अगले सीज़न में कब मिलेगी। तो वो गाइज सारा सब कुछ टाइमिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी तो आप लोगों का पबजी मोबाइल के अंदर अपडेट भी आने वाला है। तो आप सब जानते ही हो कि पबजी मोबाइल के अंदर अलग अलग यहाँ पे वर्जन रहते हैं, जैसे कि वियतनामा वर्जन हो गया, KR वर्जन हो गया, उसके बाद हमारा ग्लोबल वर्जन हो गया। तो गाइज KR वर्जन और वियतनामा वर्जन तो मैं ज़्यादातर नहीं खेलती, लेकिन अगर आप लोग खेलते हो तो मैं आप नॉर्मली आप लोगों को बताऊँ कि जो वियतनामा वर्जन का अपडेट है ना वो कल के दिन ही गाइज यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप लोगों के प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो आप लोग उसको प्ले करके खेल सकते हो। बाकी गाइज अगर आप लोगों को प्ले स्टोर के ऊपर से नहीं मिलता, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अप टू डाउन करके है, APK प्यूरी है, ये सारे बहुत से एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, उसके अंदर आप लोग पबजी वियतनामा वर्जन सर्च करके भी वियतनामा वर्जन को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। अब गाइज हम लोग बाकी की यहाँ पे टाइमिंग बताओ, तो सबसे पहले गाइज KR वर्जन की टाइमिंग जो है वो यहाँ पर आज के दिन की ही है। अगर आप लोग यहाँ पर KR वर्जन खेलते हो तो आज के दिन ही गाइज आप लोगों को KR वर्जन के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत से बंदे पहले से KR वर्जन खेलते हैं, उनको पता ही रहता है कि आप लोगों को अपडेट कैसे करना है, तो उसी वजह से गाइज आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली टाइमिंग ही बता रही हूँ कि आज के दिन ही गाइज यहाँ पे KR वर्जन का अपडेट आने वाला है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वर्जन की बात करें तो ग्लोबल वर्जन का अपडेट भी गाइज आप लोगों को यहाँ पे 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आज के दिन भी नहीं आता है तो कल तो गाइज यहाँ पे लास्ट टाइम है, कल आप लोगों को पक्का यहाँ पे ग्लोबल वर्जन का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इंडिया से बाहर हो तो आप लोग प्ले स्टोर पे से आराम से अपडेट कर पाओगे, लेकिन अगर आप लोग इंडिया से हो तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि गाइज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पबजी मोबाइल का APK मुझे मिलेगा जो कि वेबसाइट के ऊपर हमेशा आता है, उसको खेल के गाइज उसको अपडेट करके हम लोग विदाउट वाइपर विदाउट VPN बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब गाइज हम लोग बात करते हैं रॉयल पास की। तो गाइज यहाँ पे RP के अंदर आप लोग जैसे ही देखोगे तो अभी हम लोगों की जो Month 22 की रॉयल पास चल रही है ना, उसका टाइमिंग गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20/5 लास्ट लिखा है। अब ये जो 20/5 रहता है वो तो UTC टाइमिंग है, अपन हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग तो टाइम अलग होता है ना, और हर एक कंट्री के वाइज यहाँ पे टाइम अलग अलग होता है। तो मैं आपको नॉर्मली बता दूँ इंडिया के लिए, फिर पाकिस्तान से बहुत से लोग खेल रहे हैं जो हमारा सेम टाइमिंग है, वो सब आप लोग यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो। बाकी जो बाहर के हैं वो लोग UTC के अकॉर्डिंग देख लेना। गाइज यहाँ पे जो भी टाइमिंग आप लोगों को दिख रहा होगा ना, उसमें 5.5 घंटे आप लोगों को ऐड कर देना है जो आप लोगों का यहाँ पर टाइमिंग रहेगा। तो गाइज़ हम लोगों की यहाँ पर जो पबजी मोबाइल की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 20 तारीख है। अगर आप लोगों की 50 RP कंप्लीट करना है सब कुछ बाकी हो तो 20 तारीख का पूरा दिन आप लोगों के पास है, आप लोग यहाँ पे 50 RP कंप्लीट कर सकते हो, एक्स्ट्रा RP पॉइंट यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दिन गाइज यहाँ पे जैसे ही 21 तारीख आ जाएगी ना, तो 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे ही गाइज यहाँ पे जो M22 की रॉयल पास है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी और RP पे यहाँ पे लॉक लग जाएगा। तो गाइज M22 रॉयल पास का एंड टाइमिंग यहाँ पे यही होगा 21 मई सुबह 5:30 बजे, ठीक है। उसी के साथ गाइज यहाँ पे अभी जो हम लोगों की सीज़न चल रही है ना, जो कि C4S11 सीज़न है, तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे रैंक पुश भी कर रहे होगे। तो अगर आप लोगों का अभी तक रैंक पुश बाकी हो कॉन्करर एस वेस जहाँ पे भी जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी गाइज लास्ट दिन आप लोगों का 20 तारीख ही रहेगा, ठीक है। 20 तारीख को पूरे दिन आप लोग यहाँ पे रैंक पुश कर सकते हो, 20 तारीख को पूरी नाइट आप लोग रैंक पुश कर सकते हो, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट दिन 21 तारीख हो जाएगी तो 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे तक ही आप लोग रैंक पुश कर पाओगे। उसके बाद रैंक पुश भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको RP का टाइमिंग बताऊँ कि जो हम लोगों की न्यू S1 की रॉयल पास है ना वो यहाँ पे कब से स्टार्ट होगी। तो गाइज यहाँ पे 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे जैसे ही यहाँ पे RP लॉक हो रह जाएगी, तो वो RP यहाँ पे टोटल 2 घंटे के लिए लॉक रहती है। अब गाइज यहाँ पे जैसे ही 2 घंटे ख़त्म हो जाएंगे तो 21 मई को ही सुबह 7:30 बजे आप लोगों को यहाँ पे न्यू रॉयल पास देखने को मिल जाएगी, जो कि A1
इस वन की यहाँ पे रॉयल पास रहेगी। उसी के साथ गाइज यहाँ पे न्यू सीजन का हम लोग टाइमिंग देखें तो इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलने वाली है C4S12 सीजन। तो उसी के साथ गाइस आप लोगों को यहाँ पे 21 तारीख के सुबह 7:30 बज जाएंगे तब आप लोगों को C4S12 सीजन देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर से वापस से आप लोग यहाँ पे रैंक पुश करना स्टार्ट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग C4S11 सीज़न के अंदर अलग अलग टाइम में रहते हो तो इसके आप लोगों को अलग अलग जो रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग एज डोमिनेटर में आते हो तो आपको फ्रेम रम ये सब कुछ मिलता है। तो इसका टाइमिंग गाइस यहाँ पे 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे का ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर C4S12 न्यू सीज़न स्टार्ट हो जाएगी 7:30 बजे, उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर सारे टायर रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि C4S11 के यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आप लोगों ने रैंक पुश करी होगी। तो गाइज यही सारा सब कुछ टाइमिंग था जो मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।